और बिलखसूस पाकिस्तान में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा, सनम जावेद, आयशा अली भुट्टा समेत जितनी भी खवातीन प्रिजनर्स हैं, आज खवातीन के आलमी दिन के ऊपर पे हम उनके हकूक के लिए उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं। यहाँ से दीगर हमारे जो लोग हैं मजलूम और बेगुनाह लोग जो जेलों में कैद हैं, उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और दीगर तमाम जो हमारे लोग कैद हैं जेलों में इस वक्त, उनको रिहा किया जाए। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है पर साज बदले गए, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये मैसेज दिया है पाकिस्तानी कौम ने, जो है ही नौजवान आबादी पर मुश्तमिल, जिनमें आप शामिल हैं। नौजवान आबादी हमारी 70% है जो 40 साल से कम उम्र है। यही है पाकिस्तान का मुआशरा, इसी ने आगे लेके जाना है पाकिस्तान को। लेकिन हम लोगों ने क्या रवायतें कायम की हैं? आज 6 साल हो गए इस हाउस को, सेनेट को, लेकिन हमने सोचना यह है कि इन 6 सालों में क्या हमने इन नौजवानों के लिए कुछ किया है? नहीं किया कुछ भी। जाती मुफादात की कानून साजी होती रही है, यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन नहीं हुई है, आईन की किताबें खोली जाती रही हैं, ये आर्टिकल वो आर्टिकल। और मैं रजा रबानी साहब को एक बार फिर मुखातिब करके कहूंगा कि बिल्कुल रजा रबानी साहब, आप ये आईन की किताब खोलते रहे हैं, ये और बात है, पिछले 2 साल से ये किताब आप ला नहीं रहे। पिछले 2 साल से मैंने आपके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की किताब नहीं देखी है। उससे पहले 4 साल लगातार मैंने आपके हाथ में यह किताब देखी है। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ, आपने यह किताब क्यों नहीं खोली? आईनी तकाजे पूरे नहीं हुए, आपने यह किताब इस हाउस में फिर क्यों नहीं खोली? चेयरमैन साहब, आईन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, इंसानी हकूक का तहफ्फुज, आजादी राय का तहफ्फुज, आजादी सहाफत का तहफ्फुज, अदलिया की आजादी, ये आज भी चैलेंजेस हैं, ये आज भी चैलेंजेस अपनी जगह कायम है। अभी सफर बाकी है, बहुत कुछ करना है, लेकिन 6 साल में तो कुछ नहीं किया। तो ये इतने बड़े बड़े चैलेंजेस, खवातीन के हकूक का तहफ्फुज भी इसमें शामिल करें जो इंसानी हकूक के अंदर आता है, ये सारे जो चैलेंजेस मैंने गिनवाए हैं, ये आज अपनी जगह मौजूद है। हमारे मुआशरे को क्या हो गया है? एक बाप बड़े फख्र से कहता है, वो मेरा बेटा बड़ा तेज है, उसका कम नहीं हो रहा सी, उन्हें 500 रुपए देते हैं, उसका कम हो गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कमाल है। ये फैशन स्टेटमेंट है, ये प्राइड की स्टेटमेंट है, गलत काम कर रहा है उसका बेटा, लेकिन बाप फख्र से कह रहा है कि मेरा बेटा बड़ा तेज है। किधर लेके जा रहे हैं मुआशरे को? रिश्वत को हम प्राइड ले रहे हैं कि बच्चे की इंटेलिजेंस को, कह रहे हैं कि बड़ा तेज है, स्मार्ट है, फिर कहता है जी मेरा बेटा बड़ा तेज है। उसका वाकफ था फ्लाइंग जगह पे, उन्हें फोन की तो कम हो गया। सिफारिश गलत है, लेकिन आम कर दिया, आम ही नहीं उस पर फखर भी कर रहे हैं। इसी तरह चोरी है, इसी तरह करप्शन है, हमने इनको आम किया है। हमें जायजा लेना होगा, अपने गिरेबान में जम के बात करो, पैसे मत बात करो, और हमने जायजा लेना होगा इन सब चीजों का। मुआशरे को ठीक करना है। 70% आबादी, फिर कहता हूं, नौजवानों पे है, और वो टैलेंटेड है, उनको इस मुल्क की भाग दौड़ देनी चाहिए। वो नौजवान, वो टैलेंटेड है, स्पेशली गांव देहातों के नौजवान टैलेंटेड है। अगर उन्हें मौका दिया जाए, मुझे मत इंटरप्ट किया करें, आज मेरी आखिरी स्पीच है, आप फिर मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं, मुझे अपनी बात, मुझे मैंने 5 मिनट का टाइम दिया था, प्लीज। मैं आखिरी बात कर रहा हूं, मुझे अपनी बात, कायदे आजम के बाद अगर इस कौम को कोई लीडर मिला है तो उसका नाम इमरान खान है, जो पाकिस्तान की जान है, जो पाकिस्तान की शान है, जो पाकिस्तान की पहचान है। कि मैं आपको बताऊं,
कि वो सफर जिसने हमेशा अपने मुल्क का परचम सर बुलंद किया, चाहे खेल के मैदान हो, चाहे वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे वो नबल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गुड गवर्नेंस हो, चाहे वो आलम फोरम पे हजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के तहफ्फुज़ की बात हो, वो इमरान खान है। चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो फलस्तीन की बात हो, चाहे वो मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज उठाने की बात हो, उसका नाम इमरान खान है। थैंक यू। वो लीडर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं आप? प्लीज कर लें, मुझे प्लीज मत ना करें इंटरप्ट। आप मुझे जी बहुत मेंबर बाकी हैं। फैसल साहब तो क्या कर रहे हैं? 5 मिनट का टाइम दिया है। चार मिनट नहीं हुए मेरी बिल, बात सुने, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। वो लीडर, वो इमरान खान, वो इमरान खान जिसने इस कौम की खुदकारी को बहाल किया है, बात को एक्सपेंज कर दिया। क्या एक्सपेंज कर रहे? कौन सी गलत बात की है मैंने? अच्छा ठीक है जी, फैसल साहब जा रहे हैं। वो लीडर जिसने इस कौम की खुददारी को बहाल किया है, सेल्फ एस्टीम को बहाल किया है। अलामा इकबाल ने कहा था, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये मोल खुददारी सेल्फ एस्टीम। मेरी बात सेनेटर फिदा, मेरी बात सुने सेनेटर फिदा मोहम्मद, सेनेटर फिदा साहब एक्सपेंस कर दिया जी, मैंने एक्सपेंस कर दिया जी, एक्सपेंस कर दिया जी सेनेटर फैदा साहब।